गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चैप्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सुलव करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2011 में आया हुआ एक क्वेश्चन। यहाँ देखिए, मिस्टर रॉय वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू ट्रेडिंग बिजनेस। यहाँ वर्ड मिल गया न्यू ट्रेडिंग बिजनेस। ये बिजनेस इसका नया ही है, फर्स्ट ईयर है। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है तो उसका देखिए एनुअल सेल्स दे रहा है 60 लाख रुपया। अच्छा, एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एक्सपेंस 10,000 रुपया पर मंथ है और वेरिएबल एक्सपेंस 2% ऑफ टर्नओवर है। जितना सेल होगा उसका 2% वेरिएबल एक्सपेंस होगा और जबकि फिक्स्ड एक्सपेंस मंथली 10,000 है। प्रॉफिट देखिए कॉस्ट के ऊपर है 25%, तो कॉस्ट के ऊपर 25% तो सेल पे होगा 25/125। सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। यहां देखिए क्रेडिटर्स का डे है 15 डेज है, तो 15 डेज को 0.5 मंथ भी बोल सकते हैं, दैट इज हाफ मंथ। डेटर का देखिए आप 1 मंथ है, डेटर 1 मंथ क्रेडिट है, तो सेल साल भर का आपको 60 लाख है तो उसको 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ स्टॉक देखिए 5 टाइम्स बोला है तो इसको मंथ में पहले कन्वर्ट करना होगा 12 डिवाइडेड बाई 5। 12 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आएगा 2.4 मंथ। ये लोग सब मंथ में है तो इसको भी मंथ में ले आए। अच्छा, इन्वेंट्री या स्टॉक इसका वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ सेल पे करते हैं और डेटर का वैल्यूएशन सेल पे करते हैं, लेकिन सप्लायर क्रेडिटर को परचेज पे, तो परचेज कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, कैश के लिए देखिए बोला है 1 मंथ एक्सपेंस, तो यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंस 1 मंथ का 10,000 है और वेरिएबल एक्सपेंस 1 मंथ का सेल का 2% कर लेंगे। बोला है वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग बताना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब डेटर का कैलकुलेशन कर लेंगे तो सेल पे हो जाएगा, स्टॉक कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन परचेज का जब क्रेडिटर करेंगे तो परचेज चाहिए, अब परचेज कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चूंकि ये न्यू ट्रेडिंग कंसर्न है तो ओपनिंग स्टॉक नील हो जाएगा और यहां जो इन्वेंट्री आया था ये क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, तो वहां से परचेज कैलकुलेट होगा तब जाके क्रेडिटर आएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने CU 2011 का फॉर्मेट। देखिए स्टेटमेंट शोइंग या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला आइटम होता है आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स हम लोग रीड किए थे तो आपको मिला था स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो स्टॉक इन ट्रेड का हमको अमाउंट लाना होगा कैलकुलेट करके। सन्ड्री डेटर कैश प्लस करेंगे लेस करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, तो जब हम लोग का करेंट एसेट हो जाएगा, करेंट एसेट में आपको ले आएंगे स्टॉक डेटर कैश। जब करेंट एसेट कंप्लीट कर लेंगे तो क्रेडिटर माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको एनुअल सेल्स दिया था, तो एक नंबर वर्किंग करते हैं सेल्स। सेल्स दिया था आपको 60 लाख, ये एनुअल था। इसमें से जब प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा 60 लाख 25/125। प्रॉफिट माइनस कर दिए तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल के ऊपर डेटर और कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। ठीक, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। यहां देखो सेल था आपका 60 लाख, प्रॉफिट देखो 25% ऑन कॉस्ट था। ओके,
अब हमको डेटर कैलकुलेट करना है 1 month, और स्टॉक देखिए 5 times दिया है, तो हम लोग स्टॉक का पीरियड लाते हैं, स्टॉक होल्डिंग पीरियड 12 था, 5 times दैट इज 2.4 month। अब स्टॉक इन ट्रेड ले आते हैं, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्ट ऑफ सेल है 48 लाख, ये एनुअल है 12 × 2.4, तो 48 लाख जो है एनुअल है, 12 से डिवाइड किए 2.4 month स्टॉक है, दैट इज स्टॉक आ गया आपका ₹960। इसके साथ अब हम लोग डेटर ले लेंगे, डेटर हम लोग का 1 month है, डेटर हमेशा सेल पे होता है, तो सन्ड्री डेटर एनुअल सेल देखो आप 60 लाख है, 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 × 1, तो डेटर आपका 5 लाख। ओके, इसके अलावा क्रेडिटर चाहिए, तो उसके पहले कैश ले लेते हैं, कैश बोला है 1 month एक्सपेंस, तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो दिया हुआ था 1 month का, फिक्स्ड एक्सपेंस 10,000 था। ओके, अब वेरिएबल एक्सपेंस भी ले लेते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस था 1 month का 60,000 लाख सेल है, साल भर का 1 month 2% था, तो ये भी 10,000 होगा, तो कैश हो गया आपका 20,000। थोड़ा कैश को देख लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन में देख लीजिए, कैश को देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंस ₹10,000 पर मंथ है, अब वेरिएबल एक्सपेंस 2% ऑफ टर्नओवर है, अब कैश देखिए बोला है 1 month एक्सपेंस, तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो 10,000 ले ही लेंगे, अब वेरिएबल एक्सपेंस साल भर का सेल है 60 लाख डिवाइडेड बाय 12, 5 लाख 2% 10,000, तो हमारा कैश का काम हो गया। परचेज में आते हैं, परचेज में सप्लायर का 15 दिन बोला था, 15 दिन का मतलब हाफ मंथ, तो क्रेडिटर लाते हैं, लास्ट है क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर, क्रेडिटर के लिए परचेज चाहिए डिवाइडेड बाय 12 × 0.5, अच्छा परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग का आया था 48 लाख, जो एवरेज स्टॉक निकाले थे उसको क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, ओपनिंग स्टॉक नील, ये हो जाएगा 5760 डिवाइडेड बाय 12 × 0.5, 5760 डिवाइडेड बाय 12 × 0.5, ये आएगा आपका 2,40,000। तो यहां देते हैं एज दिस इज न्यू ट्रेडिंग कंसर्न, देन ओपनिंग स्टॉक इज नील, एवरेज स्टॉक 9,60,000 इज टेकन एज क्लोजिंग स्टॉक। ये एक नया ट्रेडिंग कंसर्न है, तो ओपनिंग स्टॉक तो नील हो जाएगा, और जो एवरेज स्टॉक आया था 960 उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये हो जाएगा परचेज, परचेज बाई 12 × 0.5, 2,40,000 हम लोग का क्रेडिटर आ गया। इसको ला के अब फिलअप कर देना है, स्टॉक लाए थे हम लोग 960, अच्छा डेटर लाए हैं 5 लाख, कैश 1 month एक्सपेंस 20,000, क्रेडिटर लाए हैं 2,40,000, माइनस करते हैं 12,40, ये हम लोग का हो गया वर्किंग कैपिटल।
ओके अब एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहले सेल दिया हुआ था 60 लाख, उसमें से 25/125 प्रॉफिट बाद दे देंगे, कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट के ऊपर इन्वेंट्री का कैलकुलेशन होगा, सेल के ऊपर डेटर, अब परचेज के ऊपर क्रेडिटर, यहां परचेज कैलकुलेट करेंगे। न्यू ट्रेडिंग कंसर्न है तो ओपनिंग स्टॉक नील हो जाएगा, जो स्टॉक आया था क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा कैश बोला है 1 मंथ एक्सपेंस, 1 मंथ का 10,000 फिक्स्ड एक्सपेंस है, 2% सेल का वेरिएबल एक्सपेंस है। अब इस चीज को आप देखो, सबसे पहले सेल था, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। स्टॉक दिया था 5 टाइम्स, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लिए, स्टॉक आ गया 960, सेल पे डेटर कैलकुलेट कर लिए 5 लाख। एक्सपेंस ले लिए, फिक्स्ड एक्सपेंस 10,000 ले लिए, वेरिएबल एक्सपेंस ये हो गया आपका मंथली सेल, इसके ऊपर 2% ये हो गया कैश। परचेज निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, परचेज के ऊपर क्रेडिटर, इसको लाके फिलअप कर दिए। देखिए स्टॉक डेटर कैश क्रेडिटर माइनस किए वर्किंग कैपिटल, ठीक है समझ में आ रहा है। ओके ये हो गया सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके थैंक यू बाय।